हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे पांच अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और ये हम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एन एस एजुकेशन डॉट इन पर ये करियर वाले ऑप्शन में जाके अगर आप चाहें तो इन आ, एक मतलब रिक्वायरमेंट है हमारे पास एजुकेटर्स कंटेंट राइटर्स एग्जाम पेपर सॉल्वर्स और टाइपिस्ट की अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप या आपके कोई पहचान वाले हैं वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें रेफरेंस दे सकते हैं चलिए कल दो प्रश्न हमने पूछे थे आपसे कि ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ ठीक है तो एक तो ये प्रश्न था दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था तो ये दो प्रश्नों के जो जवाब हैं वो संजय दागी ने अच्छे दिए हैं दागी लिखते हैं कि ध्रुपद संगीत का जन्म ग्वालियर में हुआ था संगीत सम्राट तानसेन ध्रुपद गायन से संबंधित है और ग्वालियर घराने से संबंधित उस्ताद हाफिज अली खां के गायन में ध्रुपद ख्याल और ठुमरी का संरक्षण होता है संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष उन्नीस से भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है ठीक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी चार, चार लाइनें लिखी हुई हैं चारों लाइनें ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश के एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर की स्थापना वर्ष उन्नीस में हुई थी आशीष गोयल मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर हैं अभी हाल में स्टॉक एक्सचेंज वह संगठन है जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों यानी कि शेयर ऋण पत्र का व्यवस्थित क्रय विक्रय होता है भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई कहा जाता है की स्थापना 1875 में हुई थी जहां एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक यानी एन की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर उन्नीस में की गई थी अजय तुर्कल ने भी अच्छा आंसर किया है गौहर महल के बारे में बताया उन्होंने कि गौहर महल की स्थापना 1820 में तत्कालीन शासक कुदसिया बेगम ने की थी हम पहले भी हालांकि इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं यह महल जो है वो हिंदू मुस्लिम मध्यस्थ तथा तथा स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है यहाँ दीवाने आम तथा दीवाने खास भी मौजूद है ठीक है तो बाकी आप इंदौर से संबंधित जानकारी भी आप देख सकते हैं आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर खान नदी पर बसा हुआ है खान और सरस्वती नदी है दोनों नदियों के संगम आप समझ सकते हैं दोनों नदियों के संगम पर इंदौर बसा हुआ है ऐसा एक प्रश्न एक बार लास्ट दो में एग्जाम में किसी में पूछा भी गया था मुझे याद है लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभर कर सौक्षे आया है संस्थान, संस्थान एक साथ मौजूद है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ठीक है जो विश्व का तीसरा एवं एशिया का एकमात्र लेजर अनुसंधान केंद्र है इंदौर में ही है एमपीपीएससी का मुख्यालय इंदौर में है ठीक है उन्नीस में स्थापित तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देवी हल्लेवा यूनिवर्सिटी मौजूद है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में ही है सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है चलिए कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में पहली बार आकाशवाणी का प्रसारण प्रसार 1955 में इंदौर से ही हुआ था व्यक्तित्व की बात करें तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर महू है ना राहुल द्रिवीण सलमान खान लता मंगेशकर ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे हालांकि बहुत सारे लोग हैं पर्सनालिटीज में ठीक है तो वो मतलब इतनी है कि हम काउंट नहीं कर सकते चंबल नदी का उद्गम महू में जना पहाड़ी से हुआ है शिप्रा नदी का उद्गम काकरा वरडी पहाड़ी से हुआ है इन दोनों नदियों का उद्गम जो है वो इंदौर जिले से ही होता है ध्रुपद गायन भारत की एक प्रसिद्ध गायन शैली है यहाँ गायन शैली अपने आप में परिपूर्ण है जो वेदों से चली आ रही है पंद्रहवीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है इसे मर्दाना गीत भी कहा जाता है तो हालांकि इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी जानकारी जो है वो मिल जाती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है कल के लिए हमारा जो प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला आम बजट दस जनवरी उन्नीस को किसने विधानसभा में पेश किया था ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है तो आपको कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया तो आपको ये दो प्रश्नों का कमेंट करके मुझे बताना है यह हमारा अर्धवार्षिकांक आ चुका है जुलाई तक का पूरा करंट है अगस्त और सितंबर पे मैं वर्किंग कर रहा हूं जल्द ही आपको ये भी मैं कंटेंट दे दूंगा तीन से चार दिन के अंदर ठीक है तो पूरा आपका करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मंथली हमारा थोड़ा सा लेट होता है बट आपको मंथली करंट अफेयर में जैसे जैसे प्रोवाइड करा रहा हूं और ये कुछ और कंटेंट है अगर ये भी आप अगर लेना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं इस वार कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है हाल ही में किस जिले के वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत अनिल यादव का निधन हो गया है तो देखिए हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया है तो ये सागर सागर जिला जो है मध्य प्रदेश का वहां के समाज से भी थे राष्ट्रवादी विचारक थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाकौशल प्रांत के बौद्धिक प्रमुख थे ठीक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक है आरएसएस ठीक है ध्यान रखिए समाज से भी राष्ट्रवादी विचारक तो ये एक्चुअल में एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से पूछ लेते हैं पत्रकारिता भी इन्होंने की होगी तो मतलब ये पूछ लेते हैं कि मतलब इनका भी हाल में निधन हो गया है किस जिले से संबंधित है या आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि वो क्या थे ठीक है तो जैसे तो इनका आलोक मेहता का भी निधन हो गया ये तो आलोक मेहता है लेकिन प्रश्न जो है हमारा वो है इसमें ऑप्शन नहीं चेंज कर पाया हूं मैं ये अनिल यादव का निधन पूछा गया है तो विदिशा जिले के गंज निवासी वरिष्ठ पत्रकार समाज से भी और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत अनिल यादव का भी निधन हुआ है ठीक है पशु पक्षियों के संसार में जाकर उन्होंने लघु फिल्में भी बनाई हैं उन्होंने उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में यादगार कार्य भी उन्होंने किया हुआ है तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन का वो है विदिशा दूसरा जो प्रमुख निधन हुआ है वो हुआ है आलोक मेहता जी का ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है हमारी वेबसाइट पे भी डिफरेंट चीजें हमने स्टार्ट करी हैं और वेबसाइट ब्लॉगिंग भी जल्द ही मैंने रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ जल्द ही वेबसाइट ब्लॉगिंग शुरू होगी वहां पर आपको बहुत अलग अलग चीजें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी इसलिए डेली वेबसाइट को विजिट करिए किस प्रदेश सरकार ने हाल ही में आर यू सी ओ योजना शुरू की है तो आर यू सी ओ योजना जो है इस, इसकी शुरुआत करी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में ऐसे कई प्रतिष्ठान हैं जहां पर रोजाना 50 लीटर कुकिंग ऑयल या इससे अधिक का उपयोग किया जाता है कुकिंग ऑयल की बात करी जा रही है यहां पर देखिए क्या होता है ये जो कुकिंग ऑयल होता है आपने देखा होगा समोसे वाले की दुकान पर वो उसी कढ़ाही में बार बार समोसों को तलता है ठीक है तो एक्चुअल में होता क्या है तीन बार तक इस्तेमाल किया गया जो तेल है उसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाएगा सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य कारणों के मद्देनजर लिया है एक्चुअल में होता क्या है कि बार बार उस तेल को गर्म करने से उसका मतलब जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसका खाद्य पदार्थों को तलने में बार बार उपयोग करने से कैंसर जैसी बीम गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है वैसे अगर डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि एक बार अपने जिस कुकिंग ऑयल को यूज़ कर लिया उसका यूज दूसरी बार नहीं करना चाहिए बट हम भारतीय परिवारों में क्या होता है जिस तेल के अंदर हम पूड़ियाँ बनाते हैं बाद में उसी तेल को निकाल के जो बचता है उसको रख लेते हैं फेंकते नहीं हैं उसके बाद उसमें सब्जी बनाते हैं एक न, मतलब नेचुरल चीज है सब जगह ऐसा होता है तो ये कैंसर का कारण बनता है तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट ने ये री ऑफ कुकिंग ऑयल री ऑफ कुकिंग ऑयल ठीक है तो ये एक ऐसी योजना शुरू करी है आर यू CO, योजना है ठीक है तो इस योजना के अंतर्गत जो इस प्रकार का तेल होगा तीन बार तक इस्तेमाल किया गया उसका उपयोग अब बायोडीजल बनाने में किया जाएगा ठीक है और जो ऐसे प्रतिष्ठान संचालक हैं उनको ऐसे तेल का प्रति किलो तीस रुपए के हिसाब से भुगतान भी किया जाएगा मतलब उनको तीस रुपये दिया जाएगा ये ध्यान रखिए तीस रुपये दिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके के जो फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लेते हैं एग्जाम में ठीक है तो इसके तहत ऐसा तिल बायोडीजल निर्माता द्वारा खाद्य कारोबारी से खरीदा जाएगा तो ये पूरी योजना के बारे में है ठीक है तो ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिले के साहित्यकार महेश नैनवानी का निधन हो गया है तो महेश नैनवानी जो थे ये ए... मतलब भोपाल राजधानी भोपाल से थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सोयाबीन ठीक है आपको है सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है हालांकि अब तो गेहूं में हम प्रथम हैं ठीक है बाकी पूरे अगर हम बात करें पूरे भारत की तो सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है राष्ट्रीय स्तर का सोयाबीन संयंत्र जो है वो आपका कहाँ पर है उज्जैन में है ठीक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो इस प्रकार का जो संयंत्र है जहां पर सोयाबीन की अलग अलग जो किस्म है उनको लेकर रिसर्च किया जाता है तो ये कहाँ पर है आपका इंदौर में है तो राज राज्य मतलब राष्ट्रीय स्तर का जो है वो जैन में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो आपका इंदौर में है ठीक है तो ये आ, अपने को मतलब ध्यान रखना है सोयाबीन से संबंधित और काफी सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालवा जिला जो है उसमें एक छोटा सा गांव है बड़ा गांव ठीक है उसमें खुदाई के दौरान मुगल कालीन और सिंधिया कालीन चांदी और तांबे के सिक्के अभी प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान कुल 47 सिक्के निकले हैं ये सिक्के आपके मुगल कालीन और सिंधिया कालीन है इसमें से अट्ठाईस सिक्के जो हैं वो तांबे के हैं जिन पर जीबाजी राव सिंधिया का नाम अंकित है इसके अलावा वो उन्नीस चांदी के सिक्के भी निकले हैं ठीक है और इनमें से एक सिक्का बड़ा है बाकी अठारह सिक्के छोटे इनको उर्दू में लिखा हुआ है ठीक है तो ये जो सिक्के हैं वो मुगल कालीन या सिंधिया कालीन हो सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है हालांकि अभी जो पुरातत्वविद हैं उनको इनका मतलब पुलिस ने अपनी कस्टडी में इन सिक्कों को ले लिया है इसके बाद ही पुरातत्वविदों के पास जाएंगे और पुरातत्वविदों के पास जाने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में किसके यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में तो आ, मुगल कालीन इतिहास की बात करें तो देखिए सबसे पहले जब बाबर आया था तो 1526 में एक युद्ध हुआ था 1526 सो ईस्वी में ये युद्ध हुआ था चंदेरी के शासक थे ठीक है चंदेरी के शासक आपको याद हो गया बाबर ने कोई बहुत ज्यादा युद्ध तो नहीं लड़े हैं लेकिन प्रमुख चार या पांच जो युद्ध हैं उसके ठीक है खानवा का युद्ध हो गया जैसे आपका एक आपका पानीपत का युद्ध हो गया ठीक है ऐसे युद्ध उसने लड़े हैं तो चंदेरी के जो शासक थे मैदनी राय मैदनी राय के साथ बाबर का युद्ध हुआ था और उसने चंदेरी आ, मतलब इनको हरा दिया था यह हुआ था पंद्रह सो अथ्था, ईस्वी में 1526 में आपका बाबर आया था ठीक है इसने पानीपत का पहला जो युद्ध है वो लड़ा था ठीक है 1526 में उसके बाद कंटिन्यू इसने हर साल 1527 में युद्ध हुआ पंद्रह में युद्ध हुआ ठीक है तो ये कंटिन्यू इसने युद्ध लड़े थे हर साल एक युद्ध हुआ था तो उसमें मेदिनी राय को चंदेरी के शासक मेदिनी राय को इसने पराजित कर दिया था और मेदिनी राय की दो बेटी थी सो उसने इसका जो बेटा था एक था हुमायूं ठीक है किसका बाबर का और एक था कामरान तो इसने मतलब अपनी दोनों मतलब मेदिनी राय की दोनों बेटियों की शादी कामरान से और हुमायूं से करवा दी थी ठीक है तो ये इस तरीके से मध्य प्रदेश में आया था इसने ग्वालियर हो गया आपका चंदेरी हो गया कालपी तब हुआ करता था तो ये तीनों जगह पर इसने बुंदेलखंड में अपना शासन जमा लिया था एक और चीज है एक और बहुत प्रमुख युद्ध हुआ पंद्रह सौ के आसपास इसमें क्या अकबर जो था उसने मालवा का शासक था बाज बहादुर जिनके बारे में बाज बहादुर और रानी रूपमती के बारे में जो हम पढ़ते हैं ठीक है तो ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और रूपमती मंडप जो आपका कहाँ पर है मांडू में है ठीक है रूपमती पवेलियन उसको कहा जाता है तो बाज बहादुर और आदम खां जो था ये अकबर का रिप्रेजेंटेटिव था सेनापति था एक तरीके से आप समझ सकते थे युद्ध ज़्यादातर अकबर कम लड़ता था इसके जो सेनापति थे वो ज़्यादातर युद्ध लड़ते थे तो मालवा का शासक था बाज बहादुर तो उस पर आदम खां और एक और बंदा था पीर मोहब्बत मोहम्मद खां इनके नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें इन्होंने बाज बहादुर को हरा दिया था और रानी रूपमती जो थी उन्होंने आत्मदाह कर लिया था ठीक है तो ये दो फैक्ट आप बिल्कुल याद रख लीजिए एग्जाम में पूछे जाएंगे एक और मैं आपको बता देता हूं एक सोलह में ठीक है सोलह में जो जो दाराशिकोह था एक्चुअल में ठीक है दाराशिकोह कौन था दाराशिकोह था और औरंगजेब का भाई तो दाराशिकोह और औरंगजेब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था उज्जैन के पास में ठीक है और ये कौन सा युद्ध था इस युद्ध को कहा जाता धर्मत करके एक जगह थी वहां पर ही हुआ था इसलिए इसको धर्मत का युद्ध कहा जाता है ठीक है तो ये भी आप ध्यान रखें पंद्रह अप्रैल सोलह सौ सो अट्ठावन को औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ये युद्ध हुआ था इसमें दारा शिकोह परास्त हो गया था ठीक है तो ये एक्चुअल में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था ठीक है क्योंकि दारा शिकोह भी राजा बनना चाहता था हालांकि बड़ा धार्मिक किस्म का व्यक्ति था दारा शिकोह लेकिन औरंगजेब ने उसको फिर बाद में मार दिया था तो ये पूरा इससे संबंधित आपकी सारी चीजें हो जाएंगे तो गाई इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए शेयर करिए और आप लोगों का थोड़ा रिस्पॉन्स अब कम होने लगा है कंटिन्यू करिए देखिए एग्जाम आएगा अभी उपचुनाव है उपचुनाव के बाद डेफिनेटली देखिए वैकेंसीज आना शुरू हुई हैं अभी और सडनली बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी इसलिए आप कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई को तीन साल से जिन लोगों ने पेशेंस रखा है वो थोड़ा सा और पेशेंस रखें मे बी सिक्स मंथ में हो सकता है कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी इसलिए आप लगे रहें तैयारी करते रहें थैंक यू वेरी मच